हेलो क्लास फर्स्ट स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन फोर द कीबोर्ड। कंप्यूटर बच्चों आप लोगों ने देख रखा है, कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड होता है ये भी आपने देखा है ना। यस, वी यूज अ पेंसिल और अ पेन टू राइट इन और इन आवर नोटबुक। हम जैसे नोटबुक के अंदर लिखने के लिए पेंसिल और पेन यूज करते हैं, इन द सेम वे वी यूज अ कीबोर्ड टू टाइप ऑन द कंप्यूटर। उसी तरह हम जो है कंप्यूटर के अंदर टाइप करने के लिए कीबोर्ड यूज करते हैं। मतलब कि कंप्यूटर के लिए जो अपन कीबोर्ड क्या हुआ, पेंसिल और पेन हुआ, और नोटबुक के लिए अपन पेंसिल और पेन यूज करते हैं, है ना। टू डू सो वी हैव टू प्रेस द कीज। और इसी तरह हम क्या करेंगे, की को प्रेस करेंगे तो वो टाइप हो जाएगा कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये जो बच्चों पिक्चर देख रहे हो आप, ये कीबोर्ड है आपका। ठीक है, अब जब प्रैक्टिकल क्लास होगी तब आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी मैं आपको। अभी इस पिक्चर से आप देख लीजिए कि ये जो ए बी सी डी ए लिख रखा है, क्यू डब्ल्यू ई आर, ये आपका अल्फाबेट कीज है। ठीक है, और इस तरफ आपका दे रखा है न्यूमरिक की। ठीक है, न्यूमरिक की दोनों तरफ दे रखा है, एक आपकी इस तरफ दे रखा है और एक इस तरफ दे रखा है ना, दिख रहा है आपको। ओके, यहाँ पे जो आप देख रहे हो F1, F2, F3, ये जो की होती है बच्चों फंक्शन की होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कैप्स लॉक की। ये जो आपके कैप्स लॉक की है, देन दिस स्पेस बार की, इन सब का जो जितने अपन कीज के बारे में भी देख रहे हैं, इन सब का कीबोर्ड के अंदर यूज होता है। ठीक है, और ये होता है एंटर की के द्वारा हम एंटर करते हैं, प्लस डिलीट की के द्वारा कोई भी वर्ड हमने लिखा है तो उसको हम रफ कर सकते हैं। ठीक है, और ये स्पेस बार की जो है, ये हम कुछ भी वर्ड लिखेंगे बीच बीच में स्पेस बार की यूज करेंगे। ठीक है, और कैप्स लॉक की जो कि कोई वर्ड लिखते हैं, फर्स्ट लेटर जो होता है हमको कैपिटल लेटर्स में लिखना होता है तो कैप्स लॉक की बिटवीन यूज करेंगे। ठीक है, अब ये बच्चों ये जो चीजें आपका प्रैक्टिकली जब आप यूज करोगे तो ही आपको समझ में आएगा। बाकी आपको इस पिक्चर के अकॉर्डिंग मैंने आपको कीबोर्ड बता दिया है कि कीबोर्ड के अंदर कौन कौन से की होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। अल्फाबेट कीज आर यूज फॉर टाइपिंग वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। ये जो अल्फाबेट कीज है, ये जो है वर्ड्स और सेंटेंस को टाइप करने में यूज किया जाता है इनका। दिस आर फ्रॉम ए टू जेड। और ये जो अल्फाबेट्स होते हैं वो ए टू जेड यहाँ पे होते हैं, बट इनकी सीक्वेंस जो होती है बच्चों वो इस तरफ से होती है। ठीक है, ये जो आप पिक्चर देख रहे हो अल्फाबेट कीज की, ये इस तरह की सीक्वेंस होगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई प्रेस लेटर ऑफ माई नेम TARUN ऑन द कीबोर्ड। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा है कि ये आपको मॉनिटर दिख रहा है, यहाँ पे आपका नाम, जैसे कि यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा है तरुण। ठीक है, TARUN ये हमने टाइप किया था, विल अपियर ऑन द स्क्रीन, तो स्क्रीन के सामने आपको शो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका न्यूमरिक कीज, नंबर कीज। न्यूमरिक कीज आर यूज टू टाइप नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल योर एज, वी फाइंड देम एट टू प्लस ऑन द कीबोर्ड। अब न्यूमरिक की जो है आप नंबर टाइप यूज करने के लिए कर सकते हो, या कोई आपको टेबल्स लिखनी हो या कुछ भी ऐड करना हो तो आप नंबर की यूज करोगे। ठीक है, और ये नंबर की जो है वो दो जगह पे आपके होती है, एक तो आपका यहाँ पे होता है जो मैंने आपको बताया था, है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन में होता है, और एक साइड में होता है आपका, है ना, राइट हैंड साइड में नंबर की। ये दो नंबर की आप दोनों में से एक को यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्पेस बार की। स्पेस बार की हेल्प अस टू गिव स्पेस बिटवीन वर्ड्स, इट इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। स्पेस बार जो है वो हमारे वर्ड्स के जो भी हम सेंटेंस लिखते हैं उसके बीच में स्पेस देने के लिए यूज किया जाता है, और ये कीबोर्ड के अंदर सबसे लंबी की होती है। ठीक है, कीबोर्ड के अंदर सबसे लंबी जो की होती है कौन सी होती है, स्पेस बार की होती है। ठीक है, बैक स्पेस की हेल्प अस टू इरेज द लेटर वन बाय वन फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। ठीक है, बैक स्पेस बार क्या यूज आता है, हमारे कोई भी लेटर हमने लिख दिया है ना, अब उसको हमको रफ करना है तो कैसे रफ करेंगे, तो बैक स्पेस बार की जो है
यूज करेंगे और बैक स्पेस बार आपके राइट साइड पे टॉप साइड में होता है, जो कि आपको ये कीबोर्ड के अंदर, फिर से आप ये पिक्चर में देखो, यहाँ पे ये टॉप साइड में दिख रहा है, ये राइट साइड में ये आपका बैक स्पेस बार की है, जो कि अपने लेटर्स को रफ करने में यूज करते हैं। एंटर की इज यूज टू स्टार्ट अ न्यू लाइन। एंटर की का यूज बच्चों अपन न्यू लाइन को टाइप करने के लिए यूज करते हैं। जैसे आपने कुछ वर्ड्स टाइप किया है तो नेक्स्ट लाइन पे अब आपको आना है, तो क्या करोगे, एंटर की प्रेस करोगे, तो वो जो आपका कर्सर है वो कहाँ पे आ जाएगा, न्यू लाइन पे आ जाएगा। कैप्स लॉक की इज यूज टू टाइप द वर्ड्स इन कैपिटल लेटर्स। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ बॉय। यहाँ कैप्स लॉक की का यूज जो है बच्चों कैपिटल लेटर्स के लिए किया जाता है, जैसे कि हमें सारा जो वर्ड है, पूरा एक सेंटेंस है, वो कैपिटल लेटर्स में करना है, तो कैप्स लॉक की यूज करते हुए, जैसे यहाँ एग्जांपल में लिख रखा है आई एम अ बॉय, तो ये आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है। नेक्स्ट, डिलीट की। द डिलीट की इज यूज लाइक एन इरेजर। डिलीट की क्या होता है, एक इरेजर की तरह होता है, इससे भी वो चीज हट जाती है, रफ हो जाती है। वी यूज इट टू डिलीट और रिमूव अ लेटर और नंबर फ्रॉम द स्क्रीन। स्क्रीन पे कोई नंबर या वर्ड्स लिखा हुआ होता है तो हम उसको रिमूव कर देंगे। डिलीट की जैसे अपन सेलेक्ट करके डिलीट की यूज करेंगे और वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेसन आपका ओवर हो गया बच्चों। अब हम क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे।